नमस्कार, मैं मनु और आप देख रहे हैं फूड पिलर लाइव। सोमवार सुबह 6 बजे पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ नेपाली नगर में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए स्थानीय लोगों के समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं। उनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। प्रशासन द्वारा हल्का बल का प्रयोग कर उन्हें एवं उनके समर्थकों को वहाँ से हटा दिया गया है तथा प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर दीघा शियाना रोड के पश्चिम एवं नेपाली नगर तथा आसपास के क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 144 लागू की गई है। एक जगह पर 5 या अधिक उससे लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फूड पिलर लाइव। अभियान चल रहा है, धारा 144 लगाई गई है। 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। सुबह कुछ लोगों ने वायलेशन किया है, उस पर FIR दर्ज किया जा रहा है और हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और पूरी तरह से ये अवैध है। किसी के पास कोई कागज़ नहीं है और भू माफियाओं के चक्कर में ये लोग कर करके और इस प्रकार की स्थिति पैदा किए हैं। और अभी जो अस्थाई बाउंड्री वाल है, जो है उसको हम लोग जो है नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अस्थाई अतिक्रमण में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम लोग अभी हटाएंगे और घर जो अलाइनमेंट में आ रहे हैं, अगर कुछ नए घर आ रहे हैं तो उनको हम लोग नोटिस दे के बकायदा सुनवाई का मौका दे करके उनका कागज़ देख करके उनका पक्ष सुन करके जो उचित होगा वो निर्णय करेंगे। कितने लोग टोटल अरेस्ट किए गए? अभी 26 लोग अरेस्ट हुए हैं कल, उसमें एक महिला हैं, बाकी पुरुष हैं। और हम लोग अभी वीडियो फुटेज और जो कॉल डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप जो चैटिंग है उसके आधार पर जो इसके पीछे लोग हैं उनकी पहचान कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे।